आधार कार्ड के लिए पूरे देश में मारामारी मची है, खासकर के उन इलाकों में जहां पर कैश और सब्सिडी का जोड़ होने वाला है और राशन कार्ड भी जहां पर आधार कार्ड की वजह से मिलेगा। तो ऐसे में देखिए खास रिपोर्ट हमारे साथी सुनील सिंह की। हम लोग सुबह 4 बजे से उठते हैं आधार कार्ड के लिए। आधार कार्ड के लिए नंबर लगाए यहाँ पे 2 हफ्ता हो गया, क्योंकि अंदर वाले सब्सिडी करके रखते हैं दलालों से, वो 200-200 रुपया लेते बनाने का। इसके लिए मैं यहाँ रात भर ठंडी में बैठा हूँ मैं घर पे। लोगों की रातों की नींद आधार कार्ड ने उड़ाई है। 3-4 महीने का तारीख देता है, उसका मतलब क्या है? उसको आके तारीख पे आके खड़े हो जाते हैं तो बोलता है भाई तारीख तुम्हारे गया, अभी दोबारा नंबर लगाओ। रात रात भर जाकर लोग लाइनें लगाते हैं, लेकिन अगर उस दिन नंबर नहीं लगा तो दूसरे दिन फिर रात खराब करनी पड़ती है। हम लोग इतना 5 बजे उठ के आए, लाइन लगाए, नींद खराब करके आ रहे हम लोग। सरकार ने जब से कैश सब्सिडी देने की घोषणा की है तब से तो हाल और भी बुरा है। सुनिए मालवणी के एक आधार केंद्र पर लोगों की परेशानी खुद उन्हीं की जुबानी। मुंबई में आधार कार्ड बनवाने के सभी केंद्रों पर अमूमन यही हाल है, लंबी कतारें, चीख पुकार, आरोप प्रत्यारोप, बिस्तर लेके बैठ जाओ। झुग्गी इलाकों में तो पुलिस को भी लोगों को संभालना भारी पड़ रहा है। मालवणी के इस आधार केंद्र में जैसे ही 1 हफ्ते की वेटिंग लिस्ट बताकर बाकी के लोगों को नंबर देना बंद किया गया, घंटों से कतार में खड़े लोगों का सब्र का बांध टूट गया और लोग स्कूल के अंदर कमरे की तरफ दौड़ पड़े। पब्लिक धक्का धुक्की देके अंदर घुस जाती है, कभी सामान टूट गया था एक बार तो बहुत ही मतलब दिक्कतें बहुत होती है। केंद्र में आधार कार्ड बनाने के लिए एक व्यक्ति को अमूमन 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि दस्तावेजों की पड़ताल के साथ सभी नामों को कंप्यूटर में भरना और फिर आंख और उंगलियों की छाप लेनी पड़ती है। इस रफ्तार से एक दिन में एक कंप्यूटर पर 30 से 35 कार्ड ही बन पाते हैं और ज्यादातर केंद्रों में 2 से 4 कंप्यूटर ही हैं, लिहाजा जिनका नंबर नहीं आता वो परेशान होते हैं। 3 दिन से चट का ढक्का खा रहे 4 बजे 12 बजे आ रहे, 8-8 बजे रात के हम लोग धक्का धुक्की में पैसा दे रहे, सब अंदर घुस जा रहे, हम लोग के पास नहीं, हम लोग क्या करेंगे। अंदर भी नंबर लगाया था तो सब ने बोले नहीं बाहर जाओ, बाहर नंबर देंगे, फिर अंदर दोबारा कुछ बंदों को नंबर लगा दिया उन्होंने, अभी तक हम लोग धूप में मर रहे हैं। भगदड़ हो गया और इधर परेशानी इनको हो गई, जो आगे थे पीछे हो गए, पीछे के आगे हो गए। ये जद्दोजहद उस आधार कार्ड के लिए है जिसे सरकार ने ढेरों उम्मीदें लगा रखी है, लेकिन उसी आधार के चक्कर में जनता दर बदर भटकते हुए निराधार बनी हुई है। यही आलम लगभग सभी केंद्रों पर है, कहीं कहीं तो 10 से 15 दिन की वेटिंग लिस्ट दे दी गई है, इसलिए जिनका नंबर नहीं लगा है वो दूसरे केंद्रों के भी चक्कर लगा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मार्च तक सभी आधार कार्ड बनना नामुमकिन है, क्योंकि सबको जरूरत है, हर कोई चाहता है कि जो गरीब है यहाँ गरीब जनता रहती है कि हमको सब्सिडी मिलना चाहिए और सब लोग चाहते हैं कि सब्सिडी मिले करके, लेकिन सब्सिडी जब मिलेगी, जब गवर्नमेंट को जो पुरावा मांगा गया वो दिया जाए, और वो जब ही दिया जाएगा जब इसके लिए गवर्नमेंट समस्या का समाधान करे, इसकी डेडलाइन बढ़ाई जाए। आधार कार्ड हालांकि साल भर से बनाया जा रहा है और कहीं कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने कैश सब्सिडी को आधार कार्ड से जोड़ दिया तब से यहाँ मारामारी है। कैश में सब्सिडी पाने के लिए जद्दोजहद सिर्फ आधार कार्ड बनवाने तक ही नहीं है, बैंकों में नया अकाउंट खुलवाने के भी है, इसीलिए लोग सुबह सुबह लोगों को यहाँ पर बैंकों में इस तरह लाइन लगानी पड़ रही है। सब कुछ है। कैश सब्सिडी ने बुजुर्ग सरस्वती को भी सुबह सुबह बैंक की चौखट पर ला खड़ा किया है। बीएमसी सफाई कर्मचारी सरस्वती के बेटे साथ में नहीं रहते, इसलिए खुद ही अपना भविष्य संवार रही हैं। अपने साथ आधार कार्ड के साथ वो सारे दस्तावेज लाई हैं ताकि फिर से खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़े। दो बेटे वो और लोग थे, मैं अकेली रहती हूं। वो कैसा भरना क्या करना, वो छोकरे ने दिया सब जरूरत निकल भर के दिया। हाँ, ये क्या मालूम कैसा भरने का, पता नहीं मेरे को, फोटो लगाई
मेरे को भी मालूम नहीं मैं भी घबरा जाती क्या करना कैसा क्या तो किसने भर के दिया वो लाया छोकरे ने किधर से भर के थोड़ा सा और भी क्या मालूम गलत होता है क्या होता है ये फोटो लगाया इधर एक लिखा मेरे को बोला माँ साइन करो थोड़ा साइन करी अभी क्या मालूम इधर क्या होता है तो बोले अरे सरस्वती दलवी सरकारी कामकाज के हिसाब से तो नसीब वाली निकली उनका काम एक ही दिन में हो गया लेकिन बहुत से लोगों की तकदीर इतनी अच्छी नहीं इसलिए उन्हें कई बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। कैश सब्सिडी ने बैंकों की परेशानी बढ़ा दी है क्योंकि लगातार लोग नए अकाउंट खुलवाने आ रहे हैं। जिनका अकाउंट है वो भी नया अकाउंट खुलवाने की जिद कर रहे हैं। वो ये आके बोलते हैं कि साहब ये हमारा आधार कार्ड है हमको जीरो बैलेंस का खाता खोलना है तो उनका खाता खोल रहे हैं हम। हाँ उनके उन्होंने बताया हमको नहीं हमने ऐसा नहीं किसी को कहा कि भाई आपके पास अगर कोई आदमी अकेला है तो कहाँ से जॉइंट खाता लाएगा तो जैसे भी आते जैसे उन्होंने दो आदमी का हमको जॉइंट खाता करना है तो हम जॉइंट खाता करते हैं। कोई आदमी आते कि साहब हमारा पहले से खाता है हमारे मिसेस का नाम उसमें नाम जोड़ने हैं या फिर हस्बैंड का उसमें नाम जोड़ना है तो उसके जैसे हम KYC के डॉक्यूमेंट लेके उनका नाम भी जोड़ देते हैं उनका आधार जो कार्ड का नंबर जो है हम सिस्टम में डालते हैं उसको लिंक करते हैं। लेकिन बात रुपये मिलने की है इसलिए लोगों में सब्र नहीं है। कितना बैंक में घूम रहे तो दो दिन का छुट्टी भी हो गया अभी आज भी जल्दी हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो हम अभी आज भी छुट्टी लेना पड़ेगा। अभी चार पाँच पाँच छः दिन हो गए ले कंटिन्यू आ रहा लेकिन साथ ही मेंबर कर लेते हैं लोग देने वाले तो कुछ है नहीं लेकिन ये हैरेसमेंट ही है सबके लिए। अभी हम लोग का अकाउंट ऑलरेडी बैंक का है लेकिन उनको जीरो बजट चाहिए तो नया अकाउंट के लिए ये मगजमारी है। बैंक ऑफ हैदराबाद की ब्रांच मैनेजर सीता चौकुलकर के मुताबिक सरकार ने ज्वाइंट अकाउंट की बात कही जरूर है लेकिन वो जरूरी नहीं है। दरअसल इसके पीछे सरकार की कोशिश है कि सब्सिडी का रुपया घर की महिलाओं को भी मिले। हमको इंडिकेशन ऐसा है प्रेफरेबली लेडीज का फर्स्ट नेम है तो अच्छा रहेगा क्योंकि बराबर यूज हो जाता है बोल के मगर हम वो भी इंसिस्ट नहीं कर रहे लेडीज ही रहना चाहिए जेंट्स ही रहना चाहिए। हमारा एक्सपीरियंस ये है अभी तक हम 200 अकाउंट्स ओपन किया 95% केसेस में जॉइंट अकाउंट्स इसका ये रहेगा आधार कार्ड और सबको। दुविधा को समझने के लिए हमने एक और बैंक कर्मी से बात की तब पता चला कि सब्सिडी का नया अकाउंट सिर्फ आधार कार्ड पर भी खुल सकता है ताकि ऐसी गरीब जनता जिनके पास और कोई दस्तावेज नहीं है उनको भी सब्सिडी का आधार मिल सके। ये लोग उनके पास क्या है आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं लेकिन आधार कार्ड के ऊपर हम कर रहे हैं जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम है हम आधार कार्ड के ऊपर कर रहे हैं उनका। लेकिन इस अकाउंट में चेक की सुविधा नहीं है स्लिप के जरिए ही रुपया निकाला जा सकता है। कैश सब्सिडी की इस योजना से राशनिक दफ्तर भी अछूते नहीं है यहाँ भी लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू है कोई नाम बढ़वाने आ रहा है तो कोई नया राशन कार्ड बनवाने। लोगों की लंबी कतारें और शिकायतें भी आधार केंद्र से कम नहीं। हम आए हैं नाम डलवाने के लिए फॉर्म लेने के लिए तीन दिन से लाइन लगा रहे हैं ऊपर से लोगों का टाइम टेबल नहीं है ऊपर से बोलो तो बिगड़ देते हैं बोलो जाओ कल आना। जनता के गरीब लोग के लिए कोई कानून नहीं सब जी कोई सुनवाई नहीं गरीब के लिए हमारा कानून है ही नहीं बस सुनवाई है ही नहीं कोई सुनते नहीं हमारी बात नहीं सुनते बस लाइन में खड़े रहो लाइन में सरकारी काम यही होता है अंकल हर जगह पे लाइन हर जगह पे लाइन। दरअसल राशनिक दफ्तर ने सभी राशन दुकानों पर एक नोटिस लगा रखा है जिसमें जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड बनवाने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने और राशन कार्ड सहित सारे दस्तावेजों की जेरोक्स जमा करने की हिदायतें लिखी हैं। इसके लिए दुकानदारों को रजिस्टर भी पकड़ा दिया गया है जिसमें उन्हें सब कुछ नोट करना है। हमको बोला कि सब्सिडी डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर करने वाले हाँ। इसके लिए अभी पब्लिक से पेपर मंगा रहे हैं और भर के दे रहे हैं। पब्लिक को क्या बता रहे हैं आप लोग? हम लोग यही बता रहे हैं कि अभी जो आपका सब्सिडी है वो आपके डायरेक्ट खाते में ही आ जाएगा हर महीने राशन यहाँ से लेने का और यहाँ जो भी शासन का भाव रहेगा वो हमको देने का और बाकी सब्सिडी का जो आपका फर्क है वो डायरेक्ट खाते में आ जाएगा। खास बात की नोटिस पर मिट्टी का तेल और अनाज पर भी सब्सिडी की बात लिखी है। सरकार ने आदेश जो भी दिए हों राशन की दुकान पर करना क्या है ये किसी को नहीं मालूम। सरकार हड़बड़ी में है और बाकी के लोगों को साफ साफ मालूम नहीं कि करना क्या है। लोगों में जानकारी नहीं है हमारा दर्शन कोई देने वाला नहीं है इसकी वजह से जनता ज़्यादा परेशान है। अगर उनको जानकारी होता क्योंकि राशनिंग दुकान को भी ज़्यादातर के जानकारी नहीं है और जानकारी है तो जनता को वो बताते नहीं है कोई राशन दुकान कुछ बताता है कोई राशन दुकान कुछ बताता है। मुंबई के उपनगरीय इलाकों में आधार कार्ड पर कैश सब्सिडी मार्च महीने से मिलेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2014 में है जाहिर सी बात है सरकार इस सब्सिडी के गेम से वोट बटोरना चाहती है
लेकिन सब्सिडी सही हाथों में नहीं पहुंची तो बात बिगड़ भी सकती है। India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.